नमस्कार, मैं हूं वरुण गोयल। आइए देखें मेरे साथ देश दुनिया की खबर, खबरें एक नजर में। स्टोन क्रेजर मालिक एकत्रित होकर चरखी दादरी उपायुक्त से मिले। चरखी दादरी गांव की चौपक काला में बीते दिनों एक स्टोन क्रेजर से बदमाशों ने दो लोगों को गोली मारकर घायल कर करीब 5 लाख रुपए राशि लूटकर फरार हो गए, जिसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्रेजर जोन से जो लोग आए हुए थे और काफी मांग कर रहे थे अपराधियों को पकड़ने के लिए, तो क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? मैंने उनको सुना है, उन्होंने मुझे ज्ञापन भी दिया है, मैं इस बारे में एसपी से चर्चा। और सर, कुछ किसान भी आए हुए हैं जो कि लोगों की जो कि पेंशन है वो बंद हो रखी है, उसके लिए भी आपसे मिले हैं? हाँ, मैंने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर को कहा है। लगभग 150 लोगों की ऐसी समस्याएं बता रहे हैं सर, जिनकी जिनकी डाकघर में जानी चाहिए और बैंक में जा रही है जी। बातचीत से पता चला कि इन्होंने शायद अपनी मर्जी से वहाँ करवाया होगा। जो भी ये समस्या का निदान करेंगे, मैंने कंसर्न को इंस्ट्रक्शन दिया है। एचएसएससी की जो परीक्षा के लिए सर एफिडेविट भी बनवाए जा रहे हैं सर, लेकिन वहाँ पर अव्यवस्थाएँ बहुत ज़्यादा है, ना कोई पुलिस वाला वहाँ पर है, ना कोई व्यवस्था वहाँ पर है, सिर्फ एक ही खिड़की चालू है जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बच्चे आए हुए हैं सर। वो मैंने बोला है इसकी विंडोज बढ़ाएं और इसको एक ऑफिसर की ड्यूटी लगाइए और इसको पर्सनल लाइन। भिवानी में आइसक्रीम का फिटनेस कैंप 22 से 24 जून तक चलेगा। भारतीय क्रिकेट दिव्यांग टीम अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने जौहर दिखाती नजर आएगी। चरखी दादरी के गांव कल्याण के पहाड़ में बने तालाब में नहाते हुए एक युवक की मौत हो गई। युवक मंदोला गांव का बताया जा रहा है, जो तालाब के साथ खेलते पीर की मजार पर मत्था टेकने अपने परिवार के साथ पहुंचा था और नहाने के लिए साथ लगते तालाब में पहुंचा, जहां नहाते हुए अचानक वह डूबने लगा, जिससे वहां मौजूद दूसरे लोगों ने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो गई। हरियाणा में अब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी जुर्म होगा। आवाज उठाएंगे तो आवाज दब जाएगी, ऐसा हम नहीं पानीपत की एक रेप पीड़ित लड़की बात कर रही है। आज ये लड़की ने अपने सारे सबूत पुलिस को दिए हैं और साथ में इस लड़की ने एक डिमांड और करी है आपके माध्यम से कि भाई जांच अधिकारी जो है मेरे, उनको बदला जाए, क्योंकि उन पे इसका भरोसा उठ चुका है। क्योंकि 164 के बयान लड़की ने मुझे तो नहीं बताए और ना मुझे पता है कि खुद SHO ने ये लड़की को बोला कि 164 के बयान में तुमने हमारा भी नाम लिखवाया है। तो मैंने कहा था कि मैडम मुझे तो नहीं पता कि आपका नाम है। दूसरा, उन्होंने लड़की के सामने ही लड़की को धमकाया और उसके बाद लड़की को ये बोला है कि भई आप टारगेट आप नहीं हो, आप पुलिस से पंगा ना लो, आपको नहीं पता कि पुलिस की पहुँच कहाँ तक है और आप टारगेट आप नहीं हो, आप टारगेट हमारी सविता रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से महिला पुलिस से निवेदन करती हूँ कि सविता आर्य ऐसा कोई गलत काम नहीं करती जिसकी वजह से वो सविता आर्य को फंसाए, और फिर भी अगर सविता आर्य को वो किसी जालसाजी में फंसाना चाहती हैं तो फंसा के मुझे जेल भेज दें, मुझे कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विकास गर्ग को मैं सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ और देखूंगी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करती हूँ कि विकास गर्ग को अगर पुलिस ने जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया तो फिर जो मेरे से होगा मैं वो करूँगी। पानीपत के सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला का अधिक खून बहने से मौत। वही महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। प्रदेश सरकार के डिजिटलाइजेशन के सपने को पूरा करने वाले कंप्यूटर प्रोफेशनल उतरे सड़कों पर। बचपन से घर में मिले सेना के अनुशासन का जिले के 3 किशोरों पर इस कदर असर पड़ा कि अब जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उन्होंने देश सेवा का रास्ता चुन लिया है। राहुल गांधी ने कभी नहीं लिया झूठ व अंडबारों का सहारा। चरखी दादरी में राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर अस्पताल में फल वितरण और बूंद कार्यालय पर तरबूज व गन्ने की जूस की लगाई छबील। गांव मड़काना में पिछले 25 दिन से गांव की पंचायत हुई थी। चौकी पंचायत में फैसला लिया गया कि चरणदास महाराज गांव के मंदिर में नहीं रहेंगे, वह इसको जगह कोई दूसरे गांव के पुजारी बैठाए जाएंगे। मौजूद व्यक्तियों ने भेज दिया था, लेकिन उसके बाद चरणदास महाराज ने अपना एक चेला पंडित हुक्मी चंद को बिठा दिया।
चरखी दादरी सोमवार को संत शिरोमणि कबीर दास की 621वीं जयंती के अवसर पर चरखी दादरी शहर में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। हरियाणा से साई गिद्धर की खास रिपोर्ट।